गाइस अभी साउंड सुन लो एक बार, तो ये देखो कैसे आप सुनो। अभी जो बाइक देख रहे हो भाई मेरे साथ में, ये है ऑल न्यू पल्सर NS 400। आज जो है एक डिटेल्ड वॉक अराउंड आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहले आप की देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेव की यहाँ पे देखने मिलेगी। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे की ऑन करता हूँ ना भाई, की जैसे ही ऑन यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे DRL वगैरह जो है ना ऑन हो जाती है। यहाँ पे कंप्लीट DRL आपको मिलेगी। उसी के साथ में जो है ना यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे देखने मिल जाएगा। 43mm के जो है ना USD फोक्स यहाँ पे मिलेंगे। 110mm के यहाँ पे आपको टायर देखने मिल जाएंगे। ड्यूअल चैनल ABS है। फ्रंट में 320mm की आपको डिस्प्ले प्लेट मिलेगी। उसी के साथ में जो है ना यहाँ पे ABS की रिंग आपको देखने मिलेगी थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में। उसके बाद यहाँ पे जो आपको क्रेमिका के जो है ब्रेक कैलिपर्स देखने मिल जाएंगे। उसी के साथ में गाइस यहाँ पे आपको बड़ा सा टैंक मिल जाएगा NS के, जो काफ़ी खूबसूरत से जो है यहाँ पे स्टिकर आपको देखने मिलेंगे। ओवरऑल जो है ना स्टिकर्स इसके काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो साइड ये पार्ट्स हैं ये भी जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। फ्रंट में रेडिएटर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो पूरा लेग गार्ड वगैरह, नीचे की तरफ जो इंजन का वाला आपको देखने मिल जाएगा। इंजन के बारे में थोड़ी सी बात करूँ ना तो यहाँ पे जो है ना इंजन आपको मिलता है भाई 400cc का, जो कि आप 373cc का, बट आप इसको 400 बोल सकते हो। तो वही डोमिनार वाला इंजन है जिसको कि रीट्यून करके लाइक 40 PS की पावर है, 35 Nm का टॉर्क है। और ये जो इंजन है ना आपको टॉप स्पीड देगा 154। तो ये मेरे को थोड़ा कम लगा, बट प्रैक्टिकली जो है ना ये 170+ जाएगा इजिली। उसके बाद ये जो इंजन है लगभग 30 तक की माइलेज आपको दे देगा। 6 गियर यहाँ पे मिलते हैं। उसी के साथ राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने मिलेगी, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है। एडजस्टेबल लीवर यहाँ पे मिलते हैं 5 स्टेप्स में। उसके बाद स्प्लिट सीट यहाँ पे आपको मिल जाएगी NS 200 जैसी। फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग, रियर में मोनशक सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है सॉरी, ठीक है, रियर में मोनशक सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे लेकिन रेड कलर में। यहाँ पे जो आपको रियर में फुटरेस्ट, 140 सेक्शन का चौड़ा सा टायर, पीछे जो अगेन आपको ABS वगैरह जो है 230mm की जो है डिस्प्लेट यहाँ पे मिलेगी। टायर अगर यहाँ पे दिया गया है NS 400 की, यहाँ पे स्टिकरिंग है। एंड जो बाहर जो NS दिखाई थी ना मैंने, वो थी एक तरीके से लाइक स्टंट वगैरह वाला वर्जन। तो यहाँ पे जो ये ग्रैबरियल है ना, ये आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी NS 200 से, बट उसी से इंस्पायर्ड है डिज़ाइन। यहाँ पे जो आपको LED टेल लाइट देखने मिल जाएगी, LED इंडिकेटर यहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे जो है आपको लाइट मिल जाएगी हेलोजन में, जो कि नंबर प्लेट के लिए रहने वाली है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई साइड गार्ड नहीं है, तो यहाँ पे साइड गार्ड देख लो, साइड गार्ड भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका मीटर वगैरह, मीटर के अंदर जो आपको क्या फीचर मिलते हैं क्या नहीं मिलते, तो वो चीज़ें आप देख लो। आई बीम लो बीम का यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, तो आई बीम देख सकते हो भाई। ये सारे बटन जो है ना इसके मीटर के हैं। यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर के बटन मिलेंगे, सिंगल ओवर यहाँ पे बट लाउड है। यहाँ पे हैजार्ड का बटन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आप एग्जॉस्ट वगैरह सुन सकते हो, मैं आपको बताता हूँ बाकी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको USB चार्जर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ना इसकी डिस्प्ले आप लोग चेक करो, इसकी डिस्प्ले के अंदर ना बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कनेक्ट ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ब्लूटूथ म्यूजिक, ये सब। बैक करूँगा तो भाई यहाँ पे व्हीकल इन्फो वगैरह आ जाएगा, कनेक्टिविटी, ट्रिप बाइक, लैप टाइमर। उसके बाद में जो है सेटिंग्स में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डेट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ जो ना आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप ट्रिप लाइक नेविगेशन वगैरह जैसे फीचर्स का भी जो है फायदा उठा सकते हो, मतलब नेविगेशन वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टाइमिंग यहाँ पे, गियर इंडिकेटर यहाँ पे दिखाएगा, फ्यूल मीटर वगैरह यहाँ पे, ऑडोमीटर यहाँ पे आ जाता है, 4 राइडिंग मोड, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, तो कई सारे राइडिंग मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वार्निंग्स वगैरह जो है सारी इधर की साइड में आपको मिल जाएगी। अभी जो है ना भाई स्टार्ट करके साउंड सुन लेते हैं कि कैसे साउंड सुन लो एक बार, तो ये देखो